हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही मजे में होंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग घर पे अक्सर फिश करी, फिश फ्राई बनाते हैं, पर मैं आज आप लोग के साथ फिश फिंगर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बार इसे बनाकर जरूर देखें, ये खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ में इसे बनाना भी काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले फिश को हमें बॉयल कर लेना है। पानी में आप थोड़ा नमक डालकर फिश को उलटते पलटते हुए लगभग 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल कर लें। जब फिश अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तब आप इसे बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के तुरंत बाद ही आपको इसे एक फॉर्क की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि जितने भी काटे हैं सब भी बाहर निकल जाए। फिर हाथों की सहायता से जितने भी इसके काटे हैं, छोटे बड़े, सभी को आपको निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने लगभग सभी कांटे को बाहर निकाल लिया है। जब कांटे अच्छी तरह से बाहर निकल जाए तभी आप इसमें कुछ ज़रूरी मसाले डालें। जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमें नमक डालना है, साथ में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डालना है, साथ में 2 उबले हुए आलू को मैश करके डालना है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की सहायता से इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। मैश करने के बाद आपको इसमें हरी मिर्च डाल देनी है, साथ में आपको डालना है इसमें 3-4 चम्मच ब्रेड क्रम, फिर इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर धनिया के पत्ते डाल दें और सभी को हाथों की सहायता से मिक्स कर लें और इसे दबाते हुए एक स्मूथ सा डो बना लें। अगर आपको डो थोड़ा गीली लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच ब्रेड क्रम और डाल दें। डो लगभग सूखी होनी चाहिए। डो यहाँ पर हमारा बन चुका है। आप इसके स्मॉल पोर्शन लेकर हाथों से दबाते हुए, रोल करते हुए फिंगर का शेप दे देंगे। एक हमारा बनके रेडी हो गया है, इसी तरह बाकी को भी आपको बना लेना है। दबाते हुए फिंगर का शेप दे, कहीं से ये फटे ना हो। इसी तरह से आपको बना लेने हैं। मैं यहाँ पर सारे फिंगर को बना ली हूँ। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे फ्राई कर लेना है। एक साइड से हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए इसे पलट लेते हैं। फिर इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। फिंगर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं, दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। कलर काफी बढ़िया आ गया है। इसी तरह से आप बाकी के फिंगर को भी फ्राई कर लें। एक साथ बहुत फिंगर को ना डालें, आपके बर्तन में जितने फिंगर आ सके उतना ही डालें। एक साथ बहुत ज्यादा डाल देने से फ्राई करते समय ये टूटने लग जाएंगे। बाकी को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ से इसे उलटते पलटते हुए क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर ले।
दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। आप इसे सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। एक बार इसे जरूर बना कर देखें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, सबको काफ़ी पसंद आएंगे फ्रेंड्स। ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी जूसी और बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे